सब्सक्राइब कीजिए टेक ट्यूबर्स यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट क्वालिटी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक टू टेक ट्यूबर्स, मैं हूं शाज़ीब अशरफ। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं विंडोज एक्टिवेशन के बारे में। जी हाँ, अगर आपके पास भी विंडोज 10 प्रोफेशनल है, ठीक है, और TPM 2.0 का सपोर्ट नहीं है, तो कुछ आपकी भी हालत हमारे जैसी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये जो हमारे लेफ्ट साइड में है, ये है पर्सनल कंप्यूटर और इस पे विंडोज 10 प्रोफेशनल है। TPM 2.0 का सपोर्ट नहीं है, अभी एक्टिवेटेड हो रखी है, लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि ये अपग्रेड नहीं हो पा रही है विंडोज 11 के वर्जन पे, क्योंकि TPM 2.0 नहीं है। और अब शायद कुछ ही महीने बचे होंगे विंडोज 11 पे अपग्रेड करने के लिए, जिसकी वजह से हम क्या सोच रहे हैं कि अभी हम इस कंप्यूटर को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, इसका मदरबोर्ड वगैरह चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि TPM 2.0 के लिए हमें नए मदरबोर्ड पे जाना होगा, नई जनरेशन पे जाना होगा, तो वो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने क्या सोचा है, हमारे राइट साइड में रखा है हमारा लैपटॉप ROG G15 है, ये ASUS का। इसमें विंडोज 11 पहले से डली हुई है, अपग्रेड कर चुके हैं हम, लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसकी विंडो को इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज इसमें विंडोज 10 डलेगी अब, ठीक है, और ये वाला कंप्यूटर बंद कर दिया जाएगा। TPM 2.0 नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो विंडो तो हमें बचानी है ना, पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए जो हमने विंडोज 10 प्रो पे लगाए थे। उसके लिए अब हम इस पे विंडोज इंस्टॉल करेंगे। इसको पहले डीएक्टिवेट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा ये वाली विंडो पे, और उस विंडोज को कैसे एक्टिवेट करेंगे फिर आप। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी कि विंडोज़ की एक्टिवेशन, डिजिटल लाइसेंस को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है एक पीसी से दूसरे पीसी में। और ये रिटेल की मैं बात कर रहा हूँ, OEM की बात नहीं हो रही है। रिटेल वर्जन जो होता है ना विंडोज़ का, जो आप परचेज करते हैं 16,000 12,000 की जो होती है, उसी पे आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं लाइसेंस को अनलिमिटेड टाइम्स में, जितनी बार भी आप चाहें, ठीक है, चाहे आप अपने पीसी कंपोनेंट्स को अपग्रेड करें या फिर दूसरे सिस्टम पे आप जाएं, शिफ्ट हो जाएं। तो ये वीडियो काफ़ी काम की रहेगी, इसको एंड तक ज़रूर से देखिएगा, मुझे उम्मीद है वीडियो आपके बहुत ही काम आएगी। आइए शुरू करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं हमारे सिस्टम पे विंडोज़ 10 प्रो इंस्टॉल्ड है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है विंडोज़ इज़ एक्टिवेटेड विद ए डिजिटल लाइसेंस। तो अभी हमें इस सिस्टम से इस विंडोज़ को, इसकी प्रोडक्ट की को अनइंस्टॉल करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट मेन्यू पे जाना है और कमांड प्रॉम्प्ट को खोलना होगा। कमांड प्रॉम्प्ट को एडमिनिस्ट्रेटर में ओपन करना है आपको। उसके बाद आपको टाइप करना है, यहाँ पे टाइप कीजिएगा SLMGR/UPK, यानी कि अनइंस्टॉल प्रोडक्ट की। उसके बाद आप एंटर करेंगे तो आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे मैसेज आ गया है द प्रोडक्ट की अनइंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, ठीक है, तो आपकी प्रोडक्ट की अनइंस्टॉल हो गई है। उसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्री से लाइसेंस को क्लियर करना है, ठीक है। उसके लिए आप एक और कमांड डालेंगे, दैट इज SLMGR/CPKY, ठीक है, उसके बाद आप एंटर करेंगे। उसके बाद आपको एक और डायलॉग बॉक्स दिखेगा, दैट इज प्रोडक्ट की फ्रॉम रजिस्ट्री क्लियर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब आपकी जो प्रोडक्ट की है वो अनइंस्टॉल हो चुकी है सिस्टम से। तो आपने पहला स्टेप कर लिया है, अभी आपने क्या किया, इस सिस्टम से विंडोज़ को डीएक्टिवेट कर दिया, उसकी प्रोडक्ट की को डीएक्टिवेट कर दिया है। तो अब आप फ्री हैं कि आप दूसरे सिस्टम पे विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अब इंस्टॉलेशन के लिए क्या करना है, या तो आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से विंडोज़ 10 का वर्जन इंस्टॉल कर लीजिए, उसको बूटेबल बना लीजिए, जैसे मैंने बनाया हुआ है। ये एक हमारे पास विंडोज़ की पेन ड्राइव है, इसको हमने बूटेबल बनाया हुआ है। अब इससे हम क्या करेंगे, अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करेंगे विंडोज 10 प्रोफेशनल को। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा दूसरा सिस्टम है और ये लैपटॉप है, यहाँ पे है विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज, ये प्री इंस्टॉल जो आई थी उसको मैंने अपग्रेड किया था। तो अभी आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसके वर्जन को चेंज करना चाहूँ, एडिशन को चेंज करना चाहूँ, तो मैं नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट की को चेंज करना पड़ेगा, रिटेल वाली की एंटर करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें OEM की इंस्टॉल्ड है। जितने भी लैपटॉप अगर आप ख़रीदते हैं ना मार्केट से जाकर के, उसमें OEM की डली हुई आती है, ठीक है, तभी आपको इतने सस्ते में एक्टिवेटेड विंडोज़ देखने को मिलती है। तो वर्जन को चेंज करने के लिए, एडिशन को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोडक्ट की एंटर करनी पड़ जाएगी, रिटेल वाली एंटर करनी पड़ जाएगी। तो अभी मैं इसमें डायरेक्ट एंटर नहीं कर रहा हूँ अपनी वाली की, क्योंकि ये विंडोज़ करप्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इसमें ग्लिचेज हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हमने बूटेबल ड्राइव बना ली है अपनी विंडोज़ 10 प्रोफेशनल की। अभी हम लैपटॉप को फॉर्मेट करेंगे, पूरा क्लीन कर देंगे, फिर इसका यूज़ करेंगे, विंडोज़ 10 प्रोफेशनल डालेंगे, फिर उसको एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद अपग्रेड करेंगे विंडोज़ 11 पे।
तो अभी हमने अपने लैपटॉप पे विंडोज़ को इंस्टॉल कर लिया है, विंडोज़ 10 को। तो अब यहाँ पे देखिए एक मसला क्रिएट हुआ है। मसला ये क्रिएट हुआ कि मैंने इसमें विंडोज़ 10 प्रोफेशनल को इंस्टॉल किया, लेकिन इस लैपटॉप पे जो OEM की इंस्टॉल्ड आई थी उसकी वजह से विंडोज़ 10 होम सिंगल लैंग्वेज ही इंस्टॉल हुई है, विंडोज़ 10 प्रो नहीं हुई है, क्योंकि इसमें OEM की इंस्टॉल्ड हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें इसके एडिशन को चेंज करना होगा। यहीं पे अब हम प्रोडक्ट की डालेंगे ताकि इसका जो एडिशन है विंडोज़ 10 का, ये विंडोज़ 10 होम से विंडोज़ 10 प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि हमारा लैपटॉप ले नहीं रहा है विंडोज़ 10 प्रोफेशनल को। तो आपको क्या करना है, चेंज प्रोडक्ट की और अपग्रेड योर एडिशन ऑफ विंडोज़ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे चेंज प्रोडक्ट की पे आना है और इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वाली प्रोडक्ट की डालिए जो आपने अपने दूसरे सिस्टम पे डाली थी उसको एक्टिवेट करने के लिए। प्रोडक्ट की डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आएगा अपग्रेड योर एडिशन ऑफ विंडोज़, प्लीज़ मेक श्योर टू सेव योर वर्क एंड क्लोज एनी ऐप। उसके बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और अब ये अपग्रेड करेगा विंडोज़ 10 होम को विंडोज़ 10 प्रोफेशनल पे। तो आप देख सकते हैं कि 80% हो गया है और 85 हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है। तो अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे लैपटॉप में विंडोज़ 11 प्रोफेशनल आ चुकी है और इस पे हमने अपनी प्रोडक्ट की डाल दी है और ये एक्टिवेटेड है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं वॉलपेपर आ चुका है दोबारा से। तो ये पूरी कहानी कहाँ पे जाकर के ख़त्म हुई है, ये कहानी बहुत लंबी है, यहाँ से शुरू हुई थी, ये वाले PC से कमांड डाल करके इसको डीएक्टिवेट किया था प्रोडक्ट की को। उसके बाद हमने इसमें विंडोज़ 10 प्रो पे कन्वर्ट किया सिंगल लैंग्वेज को, ठीक है। उसके बाद उसमें प्रोडक्ट की डाली, उसको एक्टिवेट किया, देन हमने विंडोज़ 11 पे अपग्रेड का ऑप्शन नहीं शो हो रहा था, उसके लिए विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम में जाकर के लॉगिन किया ताकि हमें प्रीव्यू बिल्ड मिल जाए, बेटा वर्जन एक तरीके का, क्योंकि अभी भी विंडोज़ 11 जो है वो सभी डिवाइसेस पे अभी भी कुछ लोगों का अपडेट नहीं आ रहा है। तो मे बी हो सकती थी वही प्रॉब्लम जिसकी वजह से इनसाइडर में जाना पड़ा और फाइनली विंडोज़ 11 हमारे सामने है, लैपटॉप पे वर्किंग है और ये प्रो वर्जन आ चुका है जो पहले इसमें था। तो आप भी ये काम कर सकते हैं अगर आपके PC या फिर लैपटॉप में जो कि ओल्ड लैपटॉप है TPM 2.0 का सपोर्ट नहीं है और आपके पास एक नया सिस्टम है ऑलरेडी, तो आप उसमें उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने लाइसेंस को। जस्ट यहाँ से प्रोडक्ट की को अनइंस्टॉल कीजिए और यहाँ पे उस प्रोडक्ट की को एक्टिवेट कर लीजिए, बाकी सारी चीज़ें वीडियो में बता दी हैं। ये वीडियो अगर अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स से, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बहुत सारी इसमें झोल थे उनको मैंने क्लियर किया है इस वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं टेक्यूबर्स को इसी तरह से देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आप सभी से एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें, हमारे साथ बने रहें, हैव अ नाइस डे।